साथियों, मानव जीवन के लिए गति और प्रगति अनिवार्य है। साथ साथ हमें भावी पीढ़ी के लिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे क्लीन एनर्जी उज्जवल भविष्य की एक आशा है, जैसे भविष्य के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, विकास के लिए क्लीन एनर्जी की बात होती है, वैसे ही जीवन में भी दो बातें जरूरी है। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, अपने अनुभव से बताता हूं। दो बातें बहुत जरूरी है, एक क्लीन स्लेट और दूसरा क्लीन हार्ट। हम अक्सर सुनते हैं, आप भी बोलते होंगे, आप भी सुनते हैं, छोड़ो यार ये तो ऐसा ही है, छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, अरे यार अपना क्या है, चलो एडजस्ट कर लो, चलो चलते चलो। कई बार लोग बोलते हैं कि देश में ये सब ऐसे ही चलेगा, हमारे यहां तो ऐसे ही होता रहा है। अरे भाई यही तो अपनी परंपरा है, ऐसे ही होना है। साथियों, ये सारी बातें हारे हुए मन की बातें हुई है, ये टूटे हुए मन की बातें होती है। एक प्रकार से जिसको जंग लग गए ऐसे मस्तिष्क से बातें होती है। ये सारी बातें कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में चिपक जाती है, वो इसी अप्रोच के साथ हर काम करते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, 21वीं सदी का जो युवा है, उसको एक क्लीन स्लेट के साथ, पूरी तरह क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये जो पत्थर की लकीर बनी हुई है कि कुछ बदलेगा नहीं, उस लकीर को क्लीन करना होगा, इसलिए क्लीन सेट। उसी प्रकार से क्लीन हार्ट, इसका अर्थ मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। क्लीन हार्ट का मतलब ही है साफ नियत। साथियों, जब आप प्री कंसीव नोशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी नई चीज के लिए दरवाजे आप खुद ही बंद कर देते हैं। साथियों, अभी से 20 साल पहले का समय था जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था। अनेक चुनौतियां थी, अनेक स्तर पर काम हो रहा था। अब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना, मैं पहले दिल्ली में रहता था, अचानक मुझे गुजरात आना पड़ा, मेरे पास रहने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, तो गांधीनगर के सर्किट हाउस में मैंने कमरा बुक कर लिया। अभी शपथ होना बाकी था, लेकिन तय हो चुका था मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, तो स्वाभाविक है लोग गुलदस्ते लेकर के आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लोग मिलने आते थे। लेकिन जो भी आते थे वो बातचीत में अक्सर मुझे ये कहते थे कि मोदी जी, अब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक काम जरूर कीजिए। करीब करीब 70-80% लोग यही बताए, क्या कहते थे आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा, वो कहते थे कि मोदी जी कुछ भी कीजिए, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करिए। मैं कहता हूं 2001 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब गुजरात के लोग मुझे मिलते थे, यही कहते थे, साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा कुछ करो ना। इससे आप सोच सकते हैं कि बिजली की क्या हालत थी उस समय। और मैं भी जिस तरह के परिवार से आता हूं, मुझे भी ये पता, अच्छी तरह पता था कि बिजली का होना और न होना
कितना महत्व रखता है। मैंने सोचा कि भाई लोगों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या, और मैं अफसरों से बात कर रहा था, चर्चाएं कर रहा था, लेकिन वही, अरे भाई ये तो ऐसे ही है, हमारे पास बिजली जितनी है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, जब ज्यादा बिजली पैदा करेंगे तब देखेंगे, यही जवाब आते थे। मैंने कहा भाई ये गिवन सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन है क्या। अब ईश्वर कृपा से एक विचार मन में आया, स्थितियों को देखते हुए मैंने कहा भाई एक काम कर सकते हैं क्या, जो एग्रीकल्चर फीडर है वो और जो डोमेस्टिक फीडर है, क्या हम दोनों को अलग कर सकते हैं क्या एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग एक ऐसी हवा बना के बैठे थे कि साहब खेती में बिजली का चोरी होता है, जितना होता है फलाना, भांति भांति की बातें मैं सुनता था। अब मैं वैसे नया था तो मुझे हर बात थोड़ा समझाने में भी दिक्कत भी रहती थी, क्योंकि ये बड़े बड़े बाबू लोग बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और मैं कहता था भाई ये दो फीडर हम अलग करें तो कैसा, कोई सहमत नहीं हुआ, क्योंकि प्री कंसीव्ड नोशन था, ये नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने मुंह पे भी कह दिया कि साहब ये तो संभव नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, किसी ने आर्थिक स्थिति नहीं है, किसी ने कहा बिजली नहीं है, किसी ने कहा ये व्यवस्था कैसे है, सब चलता रहा। आप हैरान हो जाएंगे, इसके लिए जो फाइलें चली वो फाइलों का मुझे लगता है वजन भी 5-7-10 किलो तक शायद पहुंच गया होगा, और हर बार हर अफसर नेगेटिव लिखता था, हर कोई। अब मैं लगा रहा था ये कुछ करना है मुझे। इसके बाद मैंने एक सेकंड ऑप्शन शुरू किया कि मैंने कहा ये अफसरों के साथ और इतके जो बनी हुई बनी है, मैं कुछ भी कहने जाऊंगा पता नहीं। तो मैंने एक उत्तर गुजरात में एक सोसाइटी थी जिनके साथ 45 गांव जुड़े थे, उनको बुलाया। मैंने कहा भाई एक मेरा ये सपना है कि आप कर सकते हैं क्या। तो उनका साहब हमको सोच ले दीजिए। मैंने कहा इंजीनियर वगैरह की मदद लीजिए, मेरी इतनी इच्छा है कि 45 गांवों में जो बिजली जाती है वहां मैं एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक को फीडर अलग करना चाहता हूं। तो दोबारा आए, उन्होंने कहा साहब हमें कोई मदद की जरूरत नहीं, हमें 10 करोड़ रुपये इस पर खर्च करने की भारत सरकार, गुजरात सरकार हमें मंजूरी दे दे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें थोड़ी मदद करिए। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेवारी, हमने परमिशन दिया। उन्होंने ये काम शुरू किया, मैंने इंजीनियरों को जरा आग्रह से किया भाई जरा करिए इस काम को, और उन 45 गांवों में डोमेस्टिक फीडर और एग्रीकल्चर फीडर को अलग किया। परिणाम ये आया कि खेती में जितना समय बिजली देनी थी देते थे, वो अलग टाइम था, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचने लगी। और फिर मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटियों की मदद से थोड़ा नौजवानों को भेज करके उसका जरा थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया। आप हैरान हो जाएंगे, जो इस गुजरात में रात को खाने समय बिजली मिलना भी मुश्किल था, 24 घंटे बिजली मिली, लेकिन इसके साथ एक इकोनॉमी शुरू हुई। टेलर भी अपना जो स्विंग मशीन था उसको अब पैर से नहीं इलेक्ट्रिक मशीन से चलाने लगा, धोबी भी इलेक्ट्रिक इसी उपयोग करने लगा, किचन में भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें आने लग गई, लोग एसी खरीदने लगे, पंखा खरीदने लगे, टीवी खरीदने लगे, एक जीवन बदलना शुरू हो गया, सरकार की इनकम में भी बढ़ोतरी हुई। इस प्रयोग ने हमारे सभी उस समय के अफसरों के दिमाग को बदला, आखिरकार निर्णय हुआ कि ये रास्ता सही है, और पूरे गुजरात में 1000 दिन का कार्यक्रम बनाया, 1000 दिन में एग्रीकल्चर फीडर और डोमेस्टिक फीडर अलग किए जाएंगे, और 1000 दिन के भीतर भीतर सारे गुजरात में 24 घंटे घरों में बिजली पहुंचना संभव हुआ। अगर मैंने वो प्री कंसीव नोशन को पकड़ा होता तो ये नहीं होता, क्लीन सेट स्लेट था मेरा, नए सिरे से मैं सोचता था, और उसी का परिणाम हुआ। साथियों एक बात मान के चलिए, रिस्ट्रिक्शन डू नॉट मैटर, योर रिस्पॉन्स मैटर्स। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, ये मैं कोई अपनी वाहवाही करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी ध्यान में आता है कि हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं।
गुजरात पहला राज्य था जिसने अपने स्तर पर सोलार पॉलिसी बनाई थी। तब ये बात आई थी कि सोलार बिजली की कीमत प्रति यूनिट 12-13 रुपया तक जाएगी। ये कीमत उस समय के हिसाब से बहुत कम थी, क्योंकि थर्मल की जो बिजली थी वो 2-2.5-3 रुपये तक मिल जाती थी। वही बिजली अगर 13 रुपया, हम आप जानते हैं आजकल जिस प्रकार से हो हल्ला करने की फैशन है, हर चीज में नुक्स निकालने की फैशन है, उस समय तो और मेरे लिए तो बड़ी परेशानियां रहती थी। अब मेरे सामने विषय आया कि साहब ये तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, कहां 2-3 रुपये वाली बिजली और कहां 12-13 रुपये बिजली वाले हैं। लेकिन साथियों, मेरे सामने एक ऐसा पल था कि मुझे मेरी प्रतिष्ठा की चिंता करनी कि मेरे भावी पीढ़ी की चिंता करना। मुझे मालूम था कि ये इस प्रकार के निर्णय की मीडिया में बहुत धुलाई होगी, भांति भांति के करप्शन के आरोप लगेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं क्लीन हार्ट था, मैं जेन्युइनली मानता था कि हमें कुछ न कुछ तो लाइफस्टाइल बदलने के लिए करना पड़ेगा। आखिरकार हमने फैसला लिया, सोलार एनर्जी की तरफ जाने का फैसला लिया, और हमने ईमानदारी के साथ ये निर्णय किया, उज्जवल भविष्य के लिए किया, एक विजन के साथ किया। गुजरात में सोलार प्लांट की शुरुआत हुई, बहुत बड़ी मात्रा में हुई। लेकिन उसी समय जब गुजरात ने पॉलिसी बढ़ाई, तो भारत सरकार ने भी फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही पॉलिसी उस समय बनाई। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, आपको मालूम है वहां दिल्ली में किसकी सरकार थी, उन्होंने बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18-19 रुपया दाम तय किया। अब हमारे अफसर आए, बोले साहब ये हम 12-13 देंगे, ये 18-19 देंगे, तो हमारे यहां कौन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं 12-13 पर ही टिका रहूंगा, 18-19 की मैं देने को तैयार नहीं हूं। लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, स्पीड करेंगे, दुनिया हमारे यहां आएगी, एक अच्छे गवर्नेंस के मॉडल के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज देख रहे हैं आप कि गुजरात ने जो सोलार का इनिशिएटिव लिया, आज गुजरात सोलर पावर जनरेशन में कहां पहुंचा है वो आपके सामने साक्षी हैं, और आप स्वयं यूनिवर्सिटी आज एक काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। जो 12-13 रुपये से शुरू हुआ था, वो पूरे देश में सोलार एक मूवमेंट बन गया। और यहां आने के बाद तो मैंने इंटरनेशनल सोलार अलायंस आइसा एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें दुनिया के करीब 80-85 देश उसके मेंबर बन गए हैं और पूरे दुनिया में मूवमेंट का कारण बन गए हैं। लेकिन यह कन्विक्शन, क्लीन हार्ट के साथ कन्विक्शन, उसका यह परिणाम है कि आज हिंदुस्तान सोलार के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रति यूनिट कीमत 12-13 से कम होकर के 2 रुपये से भी कम पहुंच गई है। आज देश की भी एक प्रमुख प्राथमिकता सोलर पावर बन गया है, और हमने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निर्णय संकल्प किया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि हम 2022 के पहले इसको पूरा कर लेंगे, और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट, बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये भी समय से पहले पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। देयर इज नो सच थिंग एट कैन नॉट हैपन, देयर इज आइदर I will make it happen or I will not make it happen। ये विश्वास आपको हमेशा काम आएगा।